बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। क्या चल रहा है इन दिनों, कुछ बताएंगे? थैंक यू। ये जो आपका लहरे ही चल रही है बाहर लहरे चल रही है। हाँ, लहरे चल रही है बाहर और काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है और ठीक है। अभी जो फिल्में जिस तरह की बन रही है अच्छा हो गया, प्लेटफॉर्म मिला। भोजपुरी फिल्में बहुत चल गई। एक ज़माना था हम लोग अच्छी बॉलीवुड की बड़ी फिल्में कर रहे थे, अचानक मार्केट बैठ जाने की वजह से काफ़ी टेक्नीशियंस बेचारे परेशान चल रहे थे। अचानक अपना ये दौर आ गया और मैं धन्यवाद देता हूँ इन भोजपुरी डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को और फिल्में बनाने वाले को कि हर गरीब की रोज़ी चल गई है। आज 120 लोग रोज घर में अपनी फैमिली को खाना खिला रहे बिकॉज ऑफ भोजपुरी सिनेमा। अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, मेरा नाम इकबाल सुलेमान है, एक एक्शन डायरेक्टर हूँ और काफ़ी 93 से इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी बड़ी फिल्में की है। बिग बी के साथ से लेके आज ऋतिक रोशन, ये वो जितने बच्चे हैं सबके साथ फिल्में कर रहा हूँ और काफ़ी खुश हूँ अपनी लाइफ में। ऊपर वाले ने इस लाइन में सब कुछ दिया हुआ है। भोजपुरी में कैसे शुरुआत हुई? इतने बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ आपने काम किया है, भोजपुरी में कैसे आप मुड़ा हुआ है? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं हिंदी फिल्में मैं काफ़ी कर रहा था उस टाइम पे। उस दौर में मैं फिल्में इतनी कर रहा था तो अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, उसके बाद में जितने पीछे के हीरो आए जैकी, मिथुन दादा, सबके साथ में मैंने काम किया, स्टंट किया। स्टंट मेरा प्यार था और अचानक रोहित शेट्टी से भी मेरी मुलाकात हुई क्योंकि हमारे शेट्टी साहब का लड़का था तो उसके अंदर था कि एक्शन से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास जो ये चीज़ है, तो मुझे लगा यार सही बात है। और उसके बाद मैं काम कर रहा था तो एक डायरेक्टर है बाली जी करके, पहले वो कोरियोग्राफर थे तो उन्होंने दो चार छः भाई भोजपुरी की फिल्मों में एज ए एक्टर और एज ए कोरियोग्राफर काम किया। फिर एक बार उनका एक्सीडेंट होने की वजह से वो थोड़े घर पे बैठ गए थे तो जब थोड़ा रिकवरी हुई उनकी तो उन्होंने मुझे मैंने उनको कहीं संभाला, कहीं गिरने वाले थे रमाकांत प्रसाद की कोई फिल्म में तो मैंने उनको सपोर्ट किया था, तो उनको मैंने सपोर्ट किया। बाद में वो वापस से री एंट्री हुई उनके एज ए डायरेक्टर तो उन्होंने मैंने पहली फिल्म उन्होंने ऑफर कर दी भोजपुरी कि आपको मेरे लिए करनी पड़ेगी, तो मेरे करियर की शुरुआत उन्होंने करवाई। फिल्म का टाइटल था मर टांगे वाला। जी इकबाल सर, कभी डर नहीं लगता इतने खतरनाक स्टंट आप करते हो, करवाते हो, कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं? हाँ डर तो देखो क्या है, लगता है लेकिन अभी ये जरिया बन चुका है ना। अभी मेरे दो लड़के, एक शोएब एक शहबाज, एक जॉन अब्राहम के पास काम कर रहा है और एक बाकी रोहित के पास इधर उधर काम कर रहा है। स्टंट करना एक सोल्जर की ड्यूटी है और हम लोग, हमारे जो जवान लोग हैं जो देश के लिए लड़ रहे बॉर्डर पे खड़े हैं, है ना, तो वो भी तो रोजमर्रा की ज़िंदगी में रोज़ लड़ रहे हैं, रोज़ फाइट कर रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री में भी हम सुबह घर से निकलेंगे हमको ये नहीं पता होता है हम रात घर आएंगे कि नहीं, क्योंकि हम सेट पे जाते हैं तब पता चलता है कि हमको फॉल देना है या हमको फायर लगाना है या हमको बहुत बड़ा स्टंट करना है। ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में हथेली पे लेके चलना पड़ता है और उसी से अपना घर भी चलता है। हाँ नहीं, मेरे साथ तो मालिक का ऐसा नहीं, ऊपर वाले का कर्म है और आप सब लोगों की दुआ है, तो मेरे साथ ऐसा कोई मेरी लाइफ में हुआ नहीं। और छोटी मोटी खोज तो आती रहती है, वो तो आती रहती है, कभी कुछ टूट गया कभी टूट गया, लेकिन कोई जान के ऊपर बनने वाली बात नहीं हुई। और हम लोग बहुत सेफ्टी करते हैं और अभी ये दौर में तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो गई है, तो इंशाल्लाह कोशिश भी यही रहती है कि सभी हमारे एक्टर है, हम है, टेक्नीशियन है, सभी के सब जो है महफूज रहे, हिफाजत करते हैं। लेकिन अभी एक्सीडेंट तो बैड लक होता है ना, कभी हो सकता है, लेकिन सेफ्टी बहुत हो गई है, अच्छा हो गया सभी के लिए। जी भोजपुरी में जो फिल्में आप एक्शन देते हैं फिल्मों में, उसके लिए क्या तैयारी की जाती है, कुछ बताएंगे कि जब आपको स्क्रिप्ट सुनाया जाता है तो कैसे उस स्क्रिप्ट पे वर्कआउट होता है, कैसे एक्शन सीन शूट होते हैं, आप किससे बात करते हैं, कैसे वो सब फाइनलाइज होती है, कुछ उस बारे में बताइए। राइट, क्या होता है एक्चुअल में कि अभी काफ़ी ऐसे फिल्में होती है जिसकी स्क्रिप्ट फाइट मास्टरों को मिलती है। अभी मेरे जैसे 150 फाइट मास्टर है काम कर रहे अपने अपने तरीके से, लेकिन मेरा एक मानना है
कि पहले मैं स्क्रिप्ट लेता हूँ, स्क्रिप्ट के साथ में उसके कैरेक्टर्स को देखता हूँ, मेरे हीरो का कैरेक्टर देखता हूँ, उसके माँ बाप का देखता हूँ, हीरोइन का देखता हूँ, एक काफ़ी लोगों का कैरेक्टर देखने के बाद मैं एक ड्राइंग करता हूँ पूरी, कि ये स्क्रिप्ट में मेरे को ये स्टंट करना है, फिर वो स्टंट के हम लोग रिहर्सल करते हैं, फिर पूरी सेफ्टी देखते हैं उसकी कि ये पूरी सेफ है ना, हमारे बच्चों से हम लोग पहले करवा लेते हैं, जब ये सब कुछ हो जाने के बाद में हम हमारे एक्टर को पहनाते हैं, तो हम सेफ्टी करके चलते हैं उसके। एक बार सर, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नया हीरो है जो पहली बार स्टंट कर रहा है, उसके साथ काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। यस राइट। कैसे होता है वो सब? अभी देखिए क्या है कि भोजपुरी का जो ट्रेंड है, जहाँ तक आज मैं भोजपुरी की ऑलमोस्ट बड़े स्टार जितने थे वो अभी बड़े हो गए, पहले तो हर आदमी नया आता है, तो निरुआ भाई पहले, दिनेश लाल यादव जी पहली बार नए आए, मैंने उनके साथ इज्जत एक फिल्म की, फिर हथकड़ी एक की, ये केसारी आया, उसके साथ में एक दो फिल्में की, केसारी लाल यादव जी सॉरी, और उसके बाद में तीसरे पवन जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की। तो ये सब एक्टर जितने भी आए हैं ना, ये पहले बार तो नए होते हैं, इनको आइडिया नहीं होता है, लेकिन हमारे से ये लोग आते हैं, हमारे से क्लास लेते हैं, हमसे समझते हैं, हमसे सीखते हैं, उसके बाद में फिर उनको यूज्ड टू हो जाते हैं उन लोग, और अच्छा हो जाता है। बिल्कुल होता है, थोड़ा सा लगता है, लेकिन क्या है अपना, मैं ये बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं लहरे के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जो है ना, फिल्म जब बननी होती है तो एक्टर का नाम होता है, उसके बाद में डायरेक्टर का नाम होता है, प्रोड्यूसरों का नाम होता है, ऑल टेक्नीशियंस का भी सब में नाम आता है, काम करते, लेकिन पूरा मीडिया और पूरा फिल्म सिनेमा ये सब जानता है कि कौन टेक्नीशियन है, कितनी उस पर है, तो नाम तो उसमें हमारे क्रेडिट में भी आते हैं और सबको पता होता है, सिर्फ ऑडियंस को नहीं पता होता है, तो ऑडियंस को तो हम ऐसे भी बैक ऑफ कैमरा ही रहते हैं, फ्रंट पे तो वही बिकता है जो दिखता है, हीरो हीरोइन है ये लोग बिकते हैं, हम लोग अपनी हिसाब से, मेरे हीरो मेरी हीरोइन ये सब मेरी बच्चियाँ होती है, हीरोइन जो है मेरी बेटी है, हीरो जो मेरा बेटा है, मेरे दिमाग में यही आता है कि मैं एक फैमिली में काम कर रहा हूँ और उसको किस तरह मैं खूबसूरती से बनाऊँ। जी, कुछ कहना चाहेंगे फैंस को अपने? मेरे अपने फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़, मैं चाहे भोजपुरी फिल्म हो, चाहे मेरी हिंदी फिल्में होती है, चाहे मेरी सीरियल है, मैं ऐड फिल्में काफ़ी करते रहता हूँ, विराट कोहली का भी मैंने ऐड किया हुआ है, और अभी मैंने हाल में दो फिल्में मेरी आई, बाबू मुशाई बंदूकबाज नवाजुद्दीन की, एक सैफ अली खान अपना इसकी, सैफ अली खान की एक मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, और एक फिल्म मैंने की थी सनी लियोनी अरबाज खान के साथ, तेरा इंतज़ार, तो आप लोग भी मेरी हर फिल्म आने का इंतज़ार करते रहिएगा, जैसा प्यार आपने मुझे एज एक्शन डायरेक्टर दिया है, तो मैं चाहता हूँ और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ टू प्लीज़, एज ए एक्शन डायरेक्टर ने, एज ए गुड वुमेन पर्सन, सब ऐसा सोचे कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हाजी नमाजी आदमी, और इस लाइन में रह के किसी भी तरीके का कोई उल्टा सीधा न सोचने वाला, इस पूरी चकाचौंध जो अपनी दुनिया है उसके अंदर अपने आप को बैलेंस करके चलने वाला, आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं अच्छे में अच्छा एक्शन करता रहूँगा, आप मेरे एक्शन को प्यार कीजिएगा और पूरी फिल्म को प्यार कीजिएगा, इस लहरे माध्यम से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हर फिल्म को अपना समझ के थिएटर में जाके देखिएगा, क्योंकि हमारा हौसला होगा, हमारे प्रोड्यूसर फिल्में बनाएंगे, हमारे डायरेक्टर काम करते रहेंगे, तो पूरी यूनिट चलते रहेगी, आप लोगों का सिर्फ फिल्म के अंदर 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया टिकट का लगता है ऐसा मत सोचिएगा, आपके उस पैसे से कितना परिवार चल रहा है ये सोचिएगा, ये भी आपका एक डोनेशन है जो टिकट आप थिएटर में लेके देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।